श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाचि गुरु उपदेश मुख्य वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोयं वो विदधातु वांछितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस कोजागरी पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। संसार में दो प्रकार के लोग हैं। कौन से दो प्रकार के लोग? एक सुखी और एक दुखी। दो प्रकार के लोग, कुछ लोग सुखी हैं और कुछ लोग दुखी। अब फिर प्रश्न ये उठता है कि सुख क्या है, दुख क्या है, ये प्रश्न उठता है। उसमें हम नहीं जाएंगे। सुख शब्द का अर्थ है समाधान। सुख शब्द का अर्थ समाधान, क्योंकि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पास संपत्ति बहुत है, साधन बहुत है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, एसी है, टीवी है, कार है, फ्रिज है, सोना है, चांदी है, संपत्ति है, सब कुछ है, यश है, कीर्ति है, सब कुछ है, मगर फिर भी वो समाधानी नहीं है ना। तो सुख शब्द का अर्थ समाधान है। तो कुछ लोग समाधानी है और कुछ लोग असमाधानी है, ये दो प्रकार के लोग हैं। अब ये लोग समाधानी क्यों है, सुखी क्यों है और ये लोग दुखी क्यों है, इसका उत्तर जो है भगवान ने गीता में दिया है। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। देखिए परंपरा भगवान ने बताई कैसे कि पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, परम शांति, परम समाधान उसको प्राप्त हो जाता है। कितनी देर में प्राप्त होता है? कितनी देर में उसको परम समाधान प्राप्त होता है? अचिरेण, तुरंत, वहां का वहां उसको परम शांति की प्राप्ति। किसको? किसको? जो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ज्ञान की प्राप्ति के बाद शांति है। शांति कब है, समाधान कब है? तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद शांति है। और ज्ञान किसको प्राप्त होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिर्फ श्रद्धावान नहीं, तत्पर संयते इंद्रियः, जो तत्पर है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है। तत्पर संयते इंद्रियः, ऐसा जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियः, और फिर आगे क्या हो जाता है? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद परम शांति की प्राप्ति होती है। कब? कितनी देर में होती है? 6 महीने में होती है? 8 महीने में होती है? साल भर में होती है? कितनी देर में होती है? अचिरेण, तत्काल, इमीडिएटली वहां उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये श्रद्धावान लोगों की बात की। तो इससे क्या अर्थ निकला कि समाधानी लोग कौन है, सुखी लोग कौन है? जो श्रद्धावान है वो सुखी। उसके बाद अगले ही श्लोक में भगवान ने हम सबका वर्णन किया है, सबका, हमारा। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति।
नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञ जो है, जिसके पास ज्ञान का अभाव है ऐसा, और जो अश्रद्धावान है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है ऐसा, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च, ऐसा जो संशय करने वाला व्यक्ति है उसका क्या हो जाता है? संशय आत्मा विनश्यति, वो नाश को प्राप्त होता है। और फिर नायम लोकोस्ति, इस लोक में उसको कोई सुख नहीं मिलता, इस लोक का सुख भी नहीं मिलता, न परहा परलोक का सुख भी नहीं मिलता, न सुखम संशय आत्मना, संशय आत्मा जो है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। 17वें अध्याय में भी भगवान ने कहा कि श्रद्धामयोयम पुरुषः योयश्रद्धस्स एव सः। ये पुरुष कैसा है, ये आदमी मनसान कैसा है? तो श्रद्धा जिसकी जैसी है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा कैसे होती है? अपनी अपने अंतकरण के अनुरूप सबकी श्रद्धा होती है। ये पुरुष कैसा है? श्रद्धामयोयम पुरुषः। आदमी का अगर आकलन करना है, इंसान का, मनुष्य का आकलन अगर करना है, उसकी श्रद्धा पर से उसका आकलन किया जा सकता है। उसकी श्रद्धा कैसी? श्रद्धामयोयम पुरुषः, योय श्रद्धा स एव सः, जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा वो आदमी, ठीक है। अब श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या? श्रद्धा यानी क्या आपको मालूम है? श्रद्धा यानी क्या? श्रद्धा यानी क्या? भक्ति, भक्ति यानी श्रद्धा नहीं, भक्ति यानी श्रद्धा नहीं, श्रद्धा यानी, बहुत से लोग मानते हैं कि विश्वास नाम श्रद्धा, विश्वास यानी श्रद्धा, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। उसमें सूक्ष्म अर्थ ऐसा है कि विश्वास यानी श्रद्धा नहीं, क्योंकि सूर्य पूर्व से उदित होगा, इसमें विश्वास है कि नहीं हमको? विश्वास है। तो वो श्रद्धा हुई क्या? नहीं। सूर्य पूर्व से उदित होगा तो ये श्रद्धा हुई क्या? नहीं। श्रद्धा यानी क्या? अविश्वास का अभाव। श्रद्धा यानी अविश्वास का अभाव। श्रद्धा यानी अविश्वास का अभाव। जैसे श्रद्धा के लिए कैसा है कि ज्ञान होने की प्रक्रिया में श्रद्धा पहली सीढ़ी, ज्ञान होने की प्रक्रिया में श्रद्धा जो है वो पहली सीढ़ी। क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक स्कूल है, मान लीजिए छोटा सा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, और उस प्राइमरी स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, टीचर पढ़ा रहा है और उसने बोर्ड के ऊपर ए लिखा, ए, ए फॉर एप्पल, ए लिख दिया उसने, ठीक है। अब वो बच्चा जो बैठा हुआ है क्लास में, अगर वो ये कहे कि ये ए ऐसा क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है, वो अगर वहां अश्रद्धा करेगा ए के ऊपर, तो उसको विद्या प्राप्त होगी क्या? वहां पहले उसको ए को मान के चलना होगा, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ए का आकार ऐसा ही है, ऐसा उसको मान के चलना होगा। और जब वो मान के चलेगा तो आगे चल के वो ए फॉर एप्पल, और आगे चल के फिर बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, ये सीढ़ियां वो चढ़ता चल। अगर पहले ही जगह, पहले ही स्थान पर उसने ए को मानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए श्रद्धा जो है वो अत्यंत आवश्यक है। किस बात की श्रद्धा? श्रद्धा किस बात की? हमने देखा कि श्रद्धा का फल क्या है, जो श्रद्धावान है उसको समाधान की प्राप्ति है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो अश्रद्ध है उसका क्या फल है? न सुखम संशय आत्मना, वो भी देखा, श्रद्धा का अर्थ देखा। अब श्रद्धा किस बात की? श्रद्धा किस बात की? श्रद्धा किस बात की? श्रद्धा, श्रद्धा इस बात की कि परमात्मा है, वही सब कुछ है, और किम बहुना मैं भी वो हूं, इस बात की श्रद्धा। परमात्मा है, वही सब कुछ है, सब कुछ के अंतर्गत मैं आता हूं क्या? नहीं, परमात्मा है वो सब कुछ है और उसके अंदर
मैं भी आता हूं, इसलिए मैं भी परमात्मा इस बात की। अब सबसे पहली बात क्या कि परमात्मा है। सबसे पहली चीज क्या, आपको ये मान के चलना होगा कि परमात्मा है। किंतु नित्य के व्यवहार में हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, वो हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को खंडित करते हैं। कहते हैं कहां है तुम्हारा परमात्मा, बताओ। तुम कहते हो ना परमात्मा है, कहां है बताओ। तो आपके पास कोई उत्तर है? अगर आपसे किसी आपके मित्र ने पूछा कि परमात्मा कहां है, तो इसका आप उत्तर दे सकते हो क्या? अपने आप में नहीं, मैं प्रमाण दीजिए ना, आप अपने आपके आत्मे आए, ठीक है, प्रमाण तो दीजिए ना। वो पूछेगा आपका मित्र कहां है, बताओ, दिखाओ। तो एक्चुअली क्या है, वो नास्तिक जो है ना, वो भी संशयित है। जो परमात्मा के अस्तित्व में संशय व्यक्त कर रहा है, वो भी कंफ्यूज है परमात्मा है या नहीं है। अगर हुआ तो मान लीजिए, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि परमात्मा नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि परमात्मा नहीं है। अगर मान लीजिए वो सचमुच हुआ तो क्या करेंगे? हाँ, अब जैसे हम रात के अंधेरे में जा रहे, हम ये मान के चल रहे हैं कि भूत नहीं है। हम अंधेरे में जा रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि भूत नहीं है, भूत नहीं है, भूत नहीं है, भूत नहीं है करके जा, सामने भूत आ गया तो क्या करेंगे? हाँ? इसलिए वो क्या करता है कि तर्क वितर्क करके किसी तरह से इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करता रहता है कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं। जो चीज जिस विषय में मेरी श्रद्धा है, जिस विषय में मेरा विश्वास है, उसमें मैं तर्क करता हूं क्या? नहीं। आप करेंगे क्या तर्क? मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे सिर के ऊपर दो सींग है। क्या कहा मैंने? मेरे सिर के ऊपर दो सींग है, ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने जारी कर। आप लोग बैठ के चर्चा करोगे क्या कि हे महाराजांच्या डोक्यावर जे दोन शिंग आहेत, ते एक छोटा आहे आणि एक मोठा आहे, एक काळा आहे, एक पांढरा आहे, एकामध्ये गोंडा बांधलेला आहे, दुसऱ्यामध्ये नाही, अशी चर्चा कराल का? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे क्या चर्चा बैठ के कि ये कार्यक्रम खत्म हुआ, इसके बाद बैठ के सब लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, महाराज के डोके और दोन सिंह है, महाराज जी के सिर के ऊपर दो सिंह है, उनमें से एक छोटा है एक बड़ा, दाहिना बड़ा है या बायां बड़ा है, इस विषय में चर्चा हो सकती क्या? क्यों नहीं हो सकती? है ही नहीं, हमको विश्वास है नहीं है, तो इसलिए हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब नास्तिक चर्चा करता है क्या? नहीं, ईश्वर है क्या? नहीं, ईश्वर है क्या? नहीं, सब जगह जाता है वो, अंधश्रद्धा निर्मूलन के कार्यक्रम करता, बड़े बड़े मंच लगाता है और वहां बैठ के वो चर्चा करता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं, चर्चा करता है। क्यों करता? क्यों करता वो चर्चा? इसलिए करता है क्योंकि उसको भी अंदर कहीं ना कहीं ये संशय है कि परमात्मा है, इसीलिए वो चर्चा करता है। दूसरी बात, वो जो ये पूछता है आपसे कि परमात्मा कहां है, कहां है, ये जो पूछता है, इस प्रश्न में ही उसने परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। ही हैज एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसने स्वीकार कर लिया। कर लिया क्या? नहीं। yes. क्यों? कैसे? वो पूछ रहा कहां है, वो ये नहीं पूछ रहा कि परमात्मा क्या है, वो ये नहीं पूछ रहा, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज गॉड, परमात्मा क्या है, परमात्मा तत्व क्या है, ऐसा नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा परमात्मा कहां है, कहां है, ऐसा पूछ रहा। कहां है का मतलब क्या? देखिए, अब जैसे मैंने ये कहा कि ये सभा में मैंने सब लोगों को देखा और मैंने पूछा देशमुख साहब कहां है, तो इसका मतलब क्या? देशमुख साहब नाम के आदमी को मैं जानता हूं, उसके रूप को मैं जानता हूं, उसके स्वरूप को पहचानता हूं, उसके अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, उसका अभाव यहां दिखाई दे रहा, वो कहां है, सब पूछता हूं क्या? हाँ? तो वस्तु के ज्ञान के लिए, वस्तु के अभाव के ज्ञान के लिए,
वस्तु के ज्ञान के लिए, वस्तु के अभाव के ज्ञान के लिए उसका अस्तित्व स्वीकार करना आवश्यक है। है ना? अगर मैंने ये कहा जी पिंग यहां है क्या? क्यों? वो जी पिंग को मैं जानता ही नहीं हूं। जिसको मैं जानता नहीं हूं उसके अभाव को भी मैं नहीं जान सकता। है ना? किसी वस्तु के अभाव को जानने के लिए उस वस्तु को जानना आवश्यक है। अभाव को जानने के लिए वस्तु को जानना आवश्यक है। तो इसलिए जब परमात्मा कहाँ है ऐसा मैं पूछता हूं, कोई पूछता है, तो इसका अर्थ क्या कि उसने परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। तो जगत में ऐसा कोई नहीं है जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार ना करे। अब प्रश्न यह है कि परमात्मा कहां है, यह कोई सवाल नहीं है, यह कोई सवाल नहीं। सवाल यह है कि परमात्मा क्या है, यह सवाल। परमात्मा क्या है, भगवान यानी क्या, व्हाट इज गॉड, यह प्रश्न है। परमात्मा कहां है यह कोई प्रश्न नहीं। अब देखिए कि परमात्मा कहां है ना? वो नास्तिक क्या कहता है? गॉड इज नोवेयर। वो कहता है गॉड इज नोवेयर, ठीक है ना? वो ठीक कहता, वो बिल्कुल सही कहता। उससे गलती क्या हो जाती है कि स्पेसिंग करेक्ट नहीं करता वो। गॉड इज नोवेयर, नो के बाद उसने स्पेस लगाया और वेयर लिखा। एक्चुअली उसको करना ये चाहिए था कि गॉड इज नाउ, वो डब्ल्यू को इधर हटा के डब्ल्यू के बाद स्पेस लगा के गॉड इज नाउ एंड हियर, परमात्मा यहां है और इस वक्त है, इस समय है। गॉड इज नाउ एंड हियर, परमात्मा यहां है, इस समय है, है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि वो परमात्मा तत्व क्या है, व्हाट इज गॉड, ये सवाल उठता है। तो उसका उत्तर श्रुति ने दिया है। वेदों ने परमात्मा का लक्षण बताया है कि परमात्मा यानी क्या, परमात्मा यानी क्या। तो श्रुति ने कहा अनंतम ब्रह्म। परमात्मा यानी क्या? जो लिमिटलेस है, जो देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है, जो स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित ऐसा तत्व है, उसको परमात्मा कहा है श्रुति। अब परमात्मा के होने का प्रमाण क्या, परमात्मा के होने का प्रमाण क्या? तो परमात्मा के होने का प्रमाण, ये सृष्टि ही परमात्मा के होने का प्रमाण है। ये जो जगत है, ये जगत ही परमात्मा के होने का प्रमाण है, है ना? क्यों? क्योंकि नियम यह है कि कार्य पर से हम कारण का अनुमान कर सकते हैं। किसी भी इफेक्ट पर से, किसी भी कार्य पर से हम कारण का अनुमान कर सकते। जैसे यहां हमारे यहां ये नदी है, अभी एक 8-15 दिन पहले की बात, नदी है। इस नदी में पानी बहुत कम था, आप लोगों ने देखा होगा ग्रीष्म काल में, जून के महीने में, मई में सूख गई थी पूरी। अचानक एक दिन इसमें पानी आ गया, यहां वर्षा नहीं हुई, यहां पर वर्षा नहीं हुई, मगर उसमें पानी आ गया नदी के अंदर बहुत सारा। तो लोगों ने देखा नदी में पानी आया, तो लोगों ने कहा कि जहां से ये नदी निकल रही है, उगम है जहां इसका, वहां खूब वर्षा हुई, बहुत बारिश हुई। इन्होंने देखा क्या वर्षा को वहां जाके? इन्होंने देखा क्या वर्षा को वहां जाके? नहीं, यहां बैठ के अनुमान किया, यहां बैठ के अंदाजा इन्होंने ये लगाया कि वहां बहुत वर्षा हुई, राजेश्वर के पास बहुत वर्षा हुई, इस कारण नदी में पानी आया। इन्होंने क्या देखा यहां पर? पानी को देखा। हाँ, पानी का कारण क्या? कारण को देखा क्या? नहीं, कार्य को देखा, इफेक्ट को देखा, और उसके ऊपर से कारण का अनुमान लगा दिया, कारण का अनुमान लगा दिया, है ना? तो उसी तरह से ये जगत है ना?
अब ये जगत है तो इस जगत का कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए। ये जगत है ना, अपने आप कोई चीज हो जाती है क्या, बताइए आप, अपने आप कोई चीज हो जाती है? नहीं हो सकती, अपने आप नहीं हो सकती, कारण होना चाहिए, प्रत्येक वस्तु के लिए कारण होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो जगत, इस जगत को हम देखेंगे थोड़ा सा, इसको इस जगत के भाषा में विचार करेंगे कि ये जो जगत है इसमें आपको ऐसा लगता है क्या कि अव्यवस्था है, एक एक्सीडेंट हो गया, एक बिग बैंग हो गया और हो गया सब अपने आप हो गया, ऐसा लगता है? या ऐसा लगता है कि किसी कुशल बुद्धिमान व्यक्ति ने अत्यंत विचार पूर्वक इस सारी सृष्टि की रचना की, क्या लगता है? कुशल व्यक्ति ने रचना की है ना, क्योंकि मान लीजिए अब यहां बहुत सा काम चल रहा है, ठीक है, अब 2017 का उत्सव है तो बहुत सा निर्माण कार्य चल रहा है, तो हम ये देखते हैं कि लॉरी में जब पत्थर आते हैं, लॉरी के अंदर जब पत्थर आते हैं तो लॉरी में एक मैकेनिज्म होता है, ऐसे उसको उठा देता है वो लॉरी, है वो पत्थर सब नीचे गिर जाते हैं, तो पत्थर कैसे गिरते हैं, एक के ऊपर एक गिरे हुए होते हैं, है ना, वही पत्थर, उन्हीं पत्थरों को ये जो कारीगर यहाँ नौबत खाने का काम कर रहे हैं वो उनको एक तरीके से एक उसको आकार देकर उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने उसको सजाया, ठीक है। अब वहां जो गिरे हुए पत्थर हैं नीचे और जो भवन के रूप में बने हुए पत्थर, वो भी पत्थर ये भी पत्थर, उसमें इसमें फर्क क्या है? आकार, उनको निर्माण किया, किसी ने उसकी कुशलता पूर्वक रचना की है, और ये कैसा है, ये एक एक्सीडेंट है, ये आया गाड़ी में से, गाड़ी को उसने उठाया और सारे 200 पत्थर नीचे जमीन पे गिर गए, एक के ऊपर एक, एक का मुंह दक्षिण को, एक का मुंह उत्तर को, एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, एक नीचे एक ऊपर, उल्टा सीधा सारे पत्थर गिर गए, है ना। और जो कुशल कारीगर है, उस कुशल कारीगर ने क्या किया, उन पत्थरों को क्या किया, उनको आकार दिया, उनको आकार दिया और एक रचनाबद्ध तरीका जिसको हम कहते हैं, एक प्लान के तहत उसने उसको सजा के वहां पर रख दिया। अब ये जगत है, अब ये जगत जो है वो लॉरी में से गिरे हुए पत्थरों की तरह अव्यवस्थित है या कारीगर ने जैसे बनाया वैसे सुव्यवस्थित है, बताइए। सुव्यवस्था का प्रमाण क्या है, सुव्यवस्था का प्रमाण क्या है? सूरज हर एक दिन मॉर्निंग में, भीषास्माद् वा तप्पते भीषो देति सूर्यः। सूर्य जो है वो निश्चित समय पर उदित होता है, हाँ? जैसे हमारा आज का प्रवचन जो है 1 बजे शुरू होना था मगर किसी कारणवश 1:20 पे शुरू हुआ। ऐसा कभी हुआ इतिहास में आपके बाप ने आपके दादा ने आपको बताया कि सूरज एक दिन जो है 15 मिनट लेट निकला, ऐसा कभी हुआ? या बहुत ठंडी थी इसलिए सूरज ने कैजुअल लीव ले ली, ऐसा कभी हुआ? बहुत ठंडी होने की वजह से दिसंबर के महीने में आज सूरज निकला ही नहीं, ऐसा हुआ क्या? हाँ, सूरज जो है वो अपने समय से उदित होता है ना, पूर्व से उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ऐसा कभी हुआ? आज सूरज को ना बोर हो गए, पूर्व से निकलने में बोर हो रहा है और इसलिए वो दक्षिण से निकला, हाँ? ऐसा कभी हुआ नहीं। आपके पिताजी के जमाने में नहीं। आपके दादा के जमाने में नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आम का बीज अगर आपने बोया तो वहां पर गुलाब के फूल लग गए, ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? आम के बीज से आम का वृक्ष ही उत्पन्न होता है, हा? डिलीवरी के लिए गई महिला, नारी, पुरुष की स्त्री, है इंसान की स्त्री, डिलीवरी के लिए गई और वहां बंदर का बच्चा पैदा हो गया, ऐसा हुआ? है क्यों? वहां इंसान की कोख से इंसान ही पैदा होता, ऐसा कभी हुआ? बंदर पैदा हो गया? कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? व्यवस्था, एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है। मान लीजिए कोई मिनिस्टर है
और उन्होंने सूरज से कहा 2 करोड़ रुपए रिश्वत देता हूं, तू 10 मिनट लेट निकल। है मनुष्य कृत जो है, जितना मनुष्य कृत है उसमें जो है अव्यवस्था हो सकती, अव्यवस्था हो सकती। जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है उसके अंदर सुव्यवस्था है। पिछले प्रवचन में मैंने आपको उदाहरण दिया था शिशु के जन्म का, है ना, शिशु के जन्म का आपको याद है कि जिस क्षण उसका जन्म होता है शिशु का, तो अन्न उसकी जो नलिका होती है, नाभिरज्जु होती है, वो काट दिए जाने पर माता की छाती से दूध की उत्पत्ति अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है वहां पर। ये मैंने बताया था आपको विस्तार पूर्वक, आज विस्तार नहीं करूंगा उसका। तो ये सारी सुव्यवस्था है सृष्टि के अंदर, है ना। अब ऐसी सुव्यवस्थित सृष्टि को बनाने वाला, ऐसी सुव्यवस्थित सृष्टि को कोई बनाने वाला होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बनाने वाला है, अच्छा वो जो बनाने वाला है वो बुद्धिमान होना चाहिए क्या? नहीं वो बुद्धिमान होना चाहिए क्या? नहीं बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमान है ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। अच्छा ज्ञान जो है वो जड़ पदार्थ में होता है क्या? ये फोन है, फोन को मालूम है क्या कि अब मैं जो कुछ बोल रहा हूं, महाराज जी बोल रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है मेरे अंदर, ये उसको ज्ञान है क्या? नहीं। उस कैमरे को ज्ञान है क्या? नहीं। कि मैं यहां पर माणिक पूर्णिमा पर्व का चित्रांकन कर रहा हूं, ऐसा ज्ञान उसको है क्या? नहीं। आपको है क्या? नहीं, नहीं। आपको है क्या? तो वो ज्ञानी होना चाहिए, कौन? सृष्टि को बनाने वाला, वो ज्ञानी होना चाहिए। और ज्ञानी का अर्थ क्या है? वो चेतन होना चाहिए, वो चेतन, क्योंकि ये वेदांत शास्त्र का नियम है। सांख्य लोगों का कहना है कि जड़ प्रकृति से जो है ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, उनको जड़ को सृष्टि का कारण मानते हैं। जड़ सृष्टि का कारण नहीं है, सृष्टि का कारण चेतन है, चेतन है, इट इज अ कॉन्शियस बीइंग, वो चैतन्य रूप है, ठीक है। जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड, जो भी नाम से बुलाएं, वो चेतन है, वो जड़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या? जिसने इसको बनाया उसको ज्ञान है क्या? नहीं। इसका घट को बनाने वाला जो कुम्हार होता है, जो घट को बनाने वाला है, उसको घट का ज्ञान होता है क्या? नहीं। ये यहां से गोल है, यहां से दबा हुआ है, यहां से उसका उसका कंठ है और ये उसका उदर है, ऐसा घट का ज्ञान उसको होता है क्या? ये कैसे बना, इसके अंदर कितना मिट्टी, कितना पानी, ये सारा उसको मालूम है क्या? नहीं, घट को। तो उसी तरह से परमात्मा जिसने इस सारे जगत को बनाया वो सर्वज्ञ है क्या? नहीं। सब कुछ जानने वाला है क्या? नहीं। वो चेतन है और वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। अच्छा जो सब कुछ जानने वाला होता है वो सर्वशक्तिमान होता है क्या? नहीं। सर्वशक्तिमान होता है। तो वो परमात्मा चेतन है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, ठीक है। अब इस जगत के अंदर जो कुशलता है, जगत के अंदर जो डिजाइन दिखाई दे रहा है, जो कुशलता दिखाई दे रही है, वो उस परमात्मा का ज्ञान है, वो उस परमात्मा का ज्ञान है। वो कुशलता प्रत्येक वस्तु के अंदर है क्या? नहीं। वो कुशलता प्रत्येक वस्तु के अंदर है क्या? नहीं। गुलाब का फूल है, है ना। अब वो गुलाब का फूल आप देखिए कितना सुंदर होता है, कि एक तो उसका रंग, वर्ण, वर्ण उसका जो है, रंग जो है गुलाबी या लाल या पीला जो भी है, वो उसका जो रंग होता है वो अत्यंत सुंदर, अत्यंत आकर्षक होता है, ठीक। उसका आकार, उस गुलाब के फूल का जो आकार है वो भी सुंदर होता है क्या? वो भी सुंदर होता है। उसका स्पर्श अत्यंत कोमल, अत्यंत सुंदर, है ना, स्पर्श भी अत्यंत कोमल, अत्यंत सुखावा ऐसा है। गंध, गुलाब के फूल के अंदर जो गंध है, है? वो है क्या? नहीं। अब ये सारी चीज, इसको अगर हम बोले तो ये सारी कुशलता है, ये सब क्या है? कुशलता है, हाँ? और वो कुशलता कहां से आई उसके अंदर, फूल के अंदर? वो किसकी कुशलता है? जिसने उसको बनाया उसकी कुशलता है। यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम्
मम तेजोंश संभवम, भगवान कहते हैं दसवें अध्याय में, यद्यत विभूति मत सत्वम, जगत में जो जो विभूतिमान है, जो जो सुंदर है, जो जो अच्छा है, कीर्ति है, यश है, लक्ष्मी है, जहां जहां यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम, वो मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है, मेरे कारण, मेरे अंश से जो है वो उत्पन्न हुआ है, ठीक है। सर्वम, जितना जो कुछ है वो सब। अब एक बताइए कि सर्वम के अंदर मैं आया क्या नहीं? सर्वम के अंदर मैं आया क्या नहीं? हाँ, या ऐसा है सर्वम मुझे छोड़ के, ऐसा हो सकता क्या? सर्वम मुझे छोड़ के हो सकता क्या? नहीं। तो सर्वम के अंदर मैं आया, तो मेरे अंदर जो जो अच्छा है, मेरे अंदर जो जो अच्छा है, वो सब क्या है? परमात्मा। अब मेरे अंदर क्या क्या है? मेरे अंदर क्या क्या है? मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर बुद्धि, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? मैं हूं। बुद्धि सबके अंदर है क्या नहीं? ऐसा कोई है जिसके पास बुद्धि नहीं है? सबके पास बुद्धि है। कम से कम इतना जानने की बुद्धि है कि ये जो कुछ बोला जा रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कम से कम इतनी बुद्धि तो है क्या नहीं? ये महाराज जी, ये घंटा हो गया परमात्मा 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 कर रहे हैं, ये परमात्मा क्या है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना जानने की बुद्धि है क्या नहीं? वही परमात्मा कर रहे। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम। तो आपके अंदर बुद्धि है ना? आपके अंदर देखने की क्षमता है क्या नहीं? सुनने की क्षमता है क्या नहीं? है आपके अंदर चलने की क्षमता है क्या नहीं? आपके अंदर बोलने की क्षमता है क्या नहीं? है खाने की क्षमता है क्या नहीं? हाँ, जो खाते हैं उसको पचाने की क्षमता है क्या नहीं? नींद करने की क्षमता है क्या नहीं? नींद करने से जागने की क्षमता है क्या नहीं? अगर ना होती तो नींद में से जागने की क्षमता अगर आपके अंदर नहीं होती तो क्या होता? नींद में से जागने की क्षमता है, नींद में से जागने की, स्वप्न देखने की क्षमता है क्या? अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने की क्षमता है क्या नहीं? है ना? तो ये सारी चीजें जो हमारे अंदर है, क्षमता है हमारे अंदर, जो शक्ति है वो क्या है? अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, आप बताइए मुझको, ये आप कहीं से लेके आए क्या? आप कहीं से लेके आए क्या? सबसे पहले आपका देह है, आपका देह आपका अपना है क्या? किसका? कहां से आया देह? देह कहां से आया? ठीक है, देह जो है वो माता पिता का दिया हुआ है, आपका नहीं हो। जिस देह को आप मैं करते हो ना, वो आपका नहीं है देह, वो कहां से आया? माता। अच्छा, आपका नाम? माता। वो कहां से आया? वो भी आपका नहीं है, आपका नाम भी आपका नहीं है। अच्छा, आपका एजुकेशन? एजुकेशन किसने दिया? आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, आपके गुरुजन, इन लोगों का दिया हुआ है, वो आपका है क्या? वो भी आपका नहीं है। आपका नाम आपका नहीं है, आपका देह आपका नहीं है, आपका एजुकेशन आपका नहीं है। आपकी शादी हुई क्या नहीं? किसने की? दूसरे ने की, दूसरे ने की, किसी ने पत्रिका छापी, किसी ने लड्डू बनाए, किसी ने पंडाल बनाया, किसी ने फूल सजाए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तब आपकी शादी हुई है। देखिए, जीवन में का पहला स्नान, आपके जीवन में का पहला स्नान आपने कब किया? जिस दिन पैदा हुए उस दिन। वो किसने डाला? आपने खुद किया बकेट से पानी लेके? जीवन का अंतिम स्नान, अंतिम स्नान कब करेंगे आप? अंतिम स्नान कब करेंगे? वो भी आप स्वयं नहीं कर सकते, वो दूसरे चार लोग पकड़ेंगे,
दूसरे चार लोग पकड़ेंगे और दूसरे और लोग पानी डालेंगे और फिर पोछेंगे भी नहीं ठीक से, लौकर लौकर अटपा करेंगे, है ना। तो जीवन का पहला स्नान, जीवन का अंतिम स्नान, वो उतना भी करने की ताकत आपके अंदर नहीं है, उतना भी करने की ताकत नहीं है आपके अंदर। ये सारा कौन करता है? अच्छा, पैदा हुए आपको दे, आपका दहन कौन करता है मरने के बाद? वो भी दूसरे करते। और तुम ही क्या करते, मतलब सांगा तुम्हें क्या करते, तुम्हें करता क्या है? तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। केवल अहंकार, केवल अहंकार, केवल अहंकार कर सकते हो। ये मेरा है, ये मैं, किसका मेरा? देह ही जब तुम्हारा नहीं है तो देह के जितने और संबंध है वो कहां से तुम्हारे होंगे? समझने की बात है क्या? नहीं, हाँ, देह भी तुम्हारा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस देह के अंदर, इस जड़ देह के अंदर, इस जड़ देह के अंदर जो चैतन्य का आविष्कार है वो क्या है? मम तेजोंश संभवम। मम यानी परमात्मा कह रहे हैं अर्जुन से कि ये मेरा आविष्कार है, मेरा आविष्कार, ठीक है, हमको जरूरत नहीं है उसकी। किसकी? परमात्मा का जो तेज है, परमात्मा का जो चैतन्य है, हमको उसकी जरूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या होगा? मैंने कहा परमात्मा कह रहा ना कि ये जो जितने जीव बैठे हुए हैं इनके अंदर बोलने की, चलने की, हंसने की, रोने की जो शक्ति है वो मेरी दी हुई, तेरी शक्ति तू ले ले, मुझे जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा? अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और अगर मैंने कहा, और अगर मैंने ये कहा कि ये शक्ति परमात्मा की है ही नहीं, तो क्या होगा? मैंने कहा परमात्मा झूठ बोल रहे हैं, ये जो शक्ति है ये उनकी है ही नहीं, ऐसा मैंने बोला, तो क्या होगा? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो परमात्मा को गाली दे रहा हूं, वो किसकी शक्ति से दे रहा हूं? अगर मैंने ये कहा कि मेरी मुंह में जबानी नहीं है, मैंने कहा मेरे मुख में जिह्वा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बोल सकता हूं क्या? महाराज आमचे बाबा ब्रह्मचारी होते, संभव है क्या? संभव नहीं है, असंभव है, असंभव है, असंभव है। मैं बोल रहा हूं वो स्वतः इस बात का प्रमाण है कि मेरे मुख में जिह्वा है, मैं बोल रहा हूं वो स्वतः इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा की चेतन शक्ति यहां काम कर रही है, उसके बिना मैं नहीं बोल सकता। तो जो आदमी परमात्मा को गाली दे रहा है वो भी परमात्मा शक्ति का आविष्कार है, वो भी परमात्मा शक्ति का आविष्कार है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जगत में जहां जहां चेतना दिखाई दे, वृक्ष है, वृक्ष क्या है? बढ़ रहा है, वृक्ष में रंग है, फल है, फूल है, पुष्प पल्लवित, वृक्ष पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, फलित हो रहा है, ये सारा क्या है? परमात्मा का आविष्कार। तो जहां जहां चैतन्य है वो सब परमात्मा का आविष्कार है, मान लिया। अब फिर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि परमात्मा ने जगत बनाया, परमात्मा ने इस जगत को बनाया, तो जगत बनाने के लिए ये जो सारी सामग्री लगी, हजारों लाखों करोड़ों टन पत्थर, अरबों टन क्या मिट्टी है, और अनेक क्या जगत में जो जो है सब कुछ है ना, नदी है, पर्वत है, वृक्ष है, वो है, पलाने ढिमकाने, बिल्डिंग, कांच है, पत्थर है, लकड़ी है, लोहा है, सब कुछ है, ये सारा कहां से आया? पता है आप कहां से आया? परमेश्वरानी जग बनवलं तर ते जग बनवण्यासाठी सिमेंट वगैरह कुठून अल्ट्राटेक कडून घेतलं का? एसीसी कडून घेतलं का? कहां से आया? कहां से आया? मटेरियल कहां से आया? मटेरियल कहां से आया? इसको वेदांत में कहते हैं, अब जो पहले मैंने कहा निमित्त कारण की बात की, अब उपादान कारण की बात हम करें, मटेरियल कॉज,
तो इस जगत का उपादान कारण क्या है जगत के लिए? ये जो मटेरियल लगा भी है, दरवाजा बना, इसके लिए लकड़ी कहां से लेके आया? परमात्मा कहां से लेके आया? तो शास्त्र में, श्रुति में कहा गया है कि परमात्मा ये वस्तुएं लेके नहीं आया, वो स्वयं ही ये सब कुछ बन गया, वो स्वयं ही ये सब कुछ बन। क्योंकि देखिए, अगर वहां एक बनाने वाला, एक बनाने वाला और एक बनने वाली वस्तु, ऐसा अगर भेद है, हाँ, जैसे जैसे ये अंगूठी है, अब इस अंगूठी को बनाने वाला कौन? तो सुना, ठीक है, और ये अंगूठी जो बनी तो इसके लिए मटेरियल क्या? सोना, ठीक है, बाजार से सोना वो खरीद के लाया और लाके उसने उसको आकार दिया और ये अंगूठी उसने बनाई, ठीक है। उस तरह से परमात्मा ने जगत को बनाया क्या कि बाजार में गया परमात्मा और बाजार में जाके वहां से उसने एक 2 अरब टन पत्थर और 4 अरब टन पानी और 6 अरब टन सीमेंट और 2 अरब टन कांच और लकड़ी, लोहा, ये सारी प्लास्टिक और अल्यूमिनियम वगैरह, ये सारी चीजें लेके आया परमात्मा और उसने ये सब कुछ बनाया। ऐसा हुआ क्या? क्योंकि जो वस्तु बनाई जाने वाली है, जो जो है, वो सब जगत का हिस्सा, हम पूरे जगत के निर्माण की बात कर रहे हैं। बाजार में गया, बाजार भी जगत है। परमात्मा अगर बाजार में गया सीमेंट लेने के लिए तो बाजार भी जगत ही है ना। अच्छा, सीमेंट लेने गया तो सीमेंट भी क्या है? वो भी जगत है, वो भी जगत है। पत्थर लेने गया, पत्थर क्या? वो भी जगत है। हम बात कर रहे हैं मूल जगत की, बात कर रहे हैं जगत किस बनाया, कैसे जगत को कैसे बनाया है ना। तो यहां पर एक बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत ध्यान से आप सुनिए, आपकी समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है। अब जैसे ये पेन है, ये क्या है? पेन है। ये पेन में और मुझ में भेद है क्या? नहीं, डिफरेंस है क्या? नहीं, डिफरेंस है, भेद है। ये आप कैसे पता लगाते हैं? आपको कैसे मालूम पड़ता? मेरे में और इस पेन में भेद है, ये कैसे आपको पता लगता है? कंपेयर करने से? नहीं, मूवमेंट नहीं कर रहा है। क्या नहीं मूवमेंट कर रहे ना, ये पेन है, उसका आकार अलग है। नहीं नहीं नहीं, किसी भी दो वस्तुओं में, किसी किन्हीं भी दो, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, किन्हीं भी दो वस्तुओं में भेद है, ये सिद्ध करने के लिए उन दो वस्तुओं के बीच में अवकाश होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, तभी उनके अंदर भेद है। समझ में आई बात? क्या क्या? अब यहां पर देशपांडे साहब बैठे और वहां पर केड़कर साहब बैठे, ये दोनों एक हैं क्या? नहीं, भेद है, भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि उनके अंदर करीब 9 इंच 10 इंच स्पेस है, वहां अवकाश है, इसलिए वो भिन्न है। अच्छा, ये चश्मा है, इस चश्मे में दो कांच है ना, ये दो कांच है। अब इन दो कांचों के बीच में यहां पर ये स्पेस है, ये स्पेस अगर यहां ना होती तो हम दो कांच हैं ऐसा बोलते क्या? नहीं बोलते। तो एक कांच बोलते, ऐसा एक 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 कांच हो जाता वो। ये यहां पर ये स्पेस होने की वजह से ये जो है दो है। तो दो कब बोलते हैं हम? स्पेस से अलग होता है, स्पेस से जो अलग होता है, स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम से जो भिन्न होता है उसको हम भिन्न कहते हैं, दो कहते हैं उसको। जो स्पेस और टाइम से एक है उसको एक ही बोलेंगे। अब परमात्मा ने ये जगत बनाया, ठीक है, अब परमात्मा ने ये जगत बनाया, ठीक है, ऐसा हम मान के चल रहे, परमात्मा ने ये पेन बनाया, ठीक है, परमात्मा ने पेन बना दिया। अब परमात्मा ने जो पेन बनाया, ठीक है, तो बीच में जो स्पेस है, हाँ, इसको किसने बनाया? परमात्मा ने। नहीं, ये लॉजिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप जोर डालिए, आपको समझ में आ जाए। ये जो पेन है इसको परमात्मा ने बना दिया, ठीक ठीक है,
अब हम ये कह रहे हैं परमात्मा इस पेन को बना रहा है, तो इनके अंदर अगर परमात्मा में और पेन के अंदर अगर भेद दिखाना है तो यहाँ बीच में ये अवकाश है, ठीक है। अब ये स्पेस है, इसको हम वेदांत की भाषा में आकाश कहते हैं। इस आकाश को किसने बनाया? हमने बनाया नहीं, भगवान है। इस आकाश को किसने बनाया? अच्छा, आकाश जगत का अंश है क्या? नहीं है, आकाश जगत का अंश है, आकाश भी जगत का अंश है। तो ये जो बनी हुई वस्तु है, उस वस्तु से परमात्मा जुड़ा हुआ है या भिन्न है? समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? तर्क समझ में आया? जगत की कोई भी वस्तु, जगत की सेब, जगत की कोई भी वस्तु, जैसे ये फल है ना, अब इससे परमात्मा भिन्न हो सकता है क्या? कल्पना की, इससे अगर हमने परमात्मा को भिन्न माना तो फिर हमको आकाश किसने बनाया ये बताना पड़ेगा। आकाश की अलग से सत्ता स्वीकार करके इस आकाश को बनाने वाला कोई और है, ऐसा सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। आकाश को बनाने वाला कोई और है, इसको हम सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। और आकाश भी जगत का ही हिस्सा है। ये फल परमात्मा से कैसे जुड़ा हुआ है? कैसे जुड़ा हुआ है बताइए? बीच में आकाश है, वो आकाश भी इस फल से जुड़ा हुआ है, परमात्मा भी आकाश से जुड़ा हुआ है। तो ये फल परमात्मा से संयुक्त है या असंपृक्त है? संपृक्त है या असंपृक्त है? परमात्मा से संयुक्त है। तो इस फल के अंदर, इस फल के अंदर परमात्मा है क्या? नहीं है, है। फल के अंदर परमात्मा है क्या? नहीं है, है। तो अब जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका वर्गीकरण वेदांत ने मूलतः पांच वस्तुओं में किया। क्या? कौन कौन सी? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, जितनी भी वस्तुएं हैं। अब ये फल क्या है? ये पृथ्वी तत्व है। फल क्या है? पृथ्वी तत्व है ना। टेम्परेचर है, क्या है? अग्नि तत्व है। पानी है, जल तत्व है। स्पेस है, आकाश तत्व है। अब इन सारी वस्तुओं के अंदर परमात्मा भरा हुआ है कि नहीं? भरा हुआ। सारी वस्तुओं के अंदर परमात्मा भरा हुआ है कि नहीं? भरा हुआ है। अब देखिए, अब मेरा देह है, अब मेरा जो देह है, है उसके अंदर क्या है? मैं जो कहता हूं तो वहां दो चीजें हैं। कौन सा? एक चेतन, एक कॉन्शियसनेस, एक चेतन, और एक ये जड़ दे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हमने पहले ही ये सिद्ध कर दिया कि सॉफ्टवेयर यानी परमात्मा, हमने सिद्ध कर दिया क्या? सॉफ्टवेयर परमात्मा है। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर भी परमात्मा है, हार्डवेयर भी परमात्मा, सॉफ्टवेयर भी परमात्मा, ठीक है। वो भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, फिर आप कहाँ हैं? परमात्मा। आप कौन है? परमात्मा। परमात्मा ही है ना। अच्छा, परमात्मा एक है क्या अनेक है? एक। तो हमारे आप आपस में भेद है क्या? नहीं। हाँ, भेद है क्या? भेद है ही नहीं, फिर लड़ते क्या? नहीं लड़ते क्या? नहीं, ये मेरा, ये तेरा, ये खेत मेरा, ये खेत तेरा, ये पैसे मेरे, ये पैसे तेरे, लड़ते क्या? नहीं लड़ते। क्यों लड़ते? वो नहीं देता ना इसके अंदर। न सुखम संशयात्मनः, जिसने सब कुछ परमात्मा है, सर्वरूपे हाश्री प्रभु जान, सर्वरूपे हाश्री प्रभु जान, जिसने सब कुछ परमात्मा है ऐसा जान लिया, उसको किसी प्रकार का दुख है क्या? किसी प्रकार का? मेरे पास ये फल है, मेरे पास ये फल है, मेरे से आपने ले लिया, ले, किसने किसको दिया? परमात्मा ने परमात्मा, परमात्मा ने परमात्मा को दिया। दुख मुझे दुख हुआ क्या? नहीं। मेरा चला गया। नहीं। आपको खुशी हुई क्या? नहीं। वहां से आ गया? नहीं, नहीं, नहीं। तो ये जो है ना, ये इसको कहते हैं एक ब्रॉडर माइंडसेट, इसको कहते हैं एक व्यापक दृष्टि, एक बड़ी दृष्टि।
देखिए सब कुछ परमात्मा है ये तारतम्य से समझना पड़ता है, तारतम्य से समझना पड़ता है। एक बार क्या हुआ कि ऐसे मेरे जैसे एक महाराज थे, वो ऐसे ही आप जैसे शिष्य लोगों को बिठा के सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है ऐसा बता रहे थे। तो शिष्य जो है बहुत विद्वान था, वो उसने जान लिया सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। अब वो प्रवचन समाप्त होने के बाद घर जा रहा था, तो सामने से एक हाथी आ रहा था, जुलूस, एक हाथी आ रहा था, और हाथी पर बैठा हुआ महावत जो है वो बोल रहा था, हाथी पागल है, हटो 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 हटो। क्या बोल रहा था? पागल है, हाथी पागल है, हटो 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 कह रहा था। इसने कहा हाथी भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा। ये सीधे हाथी के सामने चला गया, क्यों? क्योंकि प्रवचन में सुन लिया था उसने, मैं भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा। तो वो हाथी के सामने चला गया, और हाथी के सामने गया, हाथी ने उसको सूंड में लपेटा और दूर फेंक दिया। अब इसके हाथ पैर टूटे, हाथ पैर टूट गए। हाथ पैर टूटने के बाद दूसरे दिन वो दोनों हाथ गले में लटका के फ्रैक्चर हो गया, पट्टियां वट्टियां बांध के वो प्रवचन में फिर पहुंच गया, और ऐसे देख रहा महाराज को गुस्से से, जैसे आप लोग देख रहे। महाराज जी समझ गए, बोले क्या हुआ, क्या हुआ, पट्टियां क्यों बंधी? बोले आपके प्रवचन का फल है, आपके प्रवचन का फल है। क्या हुआ? तो आपने कहा सब कुछ परमात्मा है, तो मैं जा रहा था रास्ते में, वो सामने से हाथी आया, और हाथी वाला जो है वो, मैं हाथी भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तो मैं हाथी के सामने चला गया, हाथी ने उठा के फेंक दिया, ये हाथियां टूट गई। तो महाराज जी ने पूछा कि हाथी पर बैठा हुआ महावत क्या बोला? हाथी पर बैठा हुआ महावत क्या बोला? हाथी पागल है, हटो। तो वहां जो बैठा हुआ परमात्मा कहा? हाथी के ऊपर बैठा हुआ, उसकी बात क्यों नहीं सुनी? उसकी बात क्यों नहीं सुनी? तो परमात्म तत्व है, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ प्रभु स्वरूप है। इसको तारतम्य भाव से, इसको तारतम्य भाव से एक ब्रॉडर, एक विशाल व्यापक ऐसा दृष्टिकोण रखते हुए, इसका लाभ क्या है? सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, इसका लाभ क्या है? तो वस्तुओं के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर जो मेरी ममता बनी हुई है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसी जो ममता बनी हुई है, और मैं सब कुछ करने वाला हूं, ऐसी जो अहंता है, अहंता और ममता, ऐसी जो अहंता है वो समाप्त हो जाती है। कैसे? करने वाला करता हरता तो करवीता, मी मिथ्या जन बोल। तो महाराज कहते हैं कि मी कौन बोलता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। तो वो जो है वो अपने आप को कर्ता भोक्ता सबको समझने लग जाता है, और कर्ता भोक्ता जैसे अपने आप को आपने समझ लिया, वो दुख ऑटोमेटिकली आके आपके गले में पड़ जाता है। मैं कई बार आपको बता चुका, अहंता और ममता को आपने पकड़ा तो उसके साथ जितने दुख हैं वो सारे ऑटोमेटिकली आपको आके, जैसे एक संपत्ति है, ठीक है, यहां आप बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे, एक संपत्ति है, उस संपत्ति को मैंने खरीद लिया, ठीक है, मैंने मेरा कर लिया, खरीद लिया, उसके ऊपर चार केस है, उस संपत्ति के ऊपर चार केस है, हाँ? उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का लोन है, हाँ? उसके ऊपर और क्या क्या, इनकम टैक्स का केस है, वेल्थ टैक्स का केस है, पुलिस वाले का केस है, FCRA का केस है, उसका केस है, इसका केस है, और उसको मैंने खरीद लिया। अब क्या हो जाएगा? वो सारा सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा, उसके साथ आए, उसके साथ आए। तो दुख जो है वो अहंता ममता के साथ आता है, और अहंता ममता कब छूटती है? जब ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये जो कुछ है वो सब प्रभु स्वरूप है, ये जो कुछ है वो सब प्रभु का है, ऐसा जब भाव मन में उठता है, न सिर्फ भाव उठना, न सिर्फ भाव, बल्कि ऐसा दृढ़ता पूर्वक विश्वास हो जाता है कि ये सब कुछ मेरा नहीं, ये सब प्रभु का है, परमात्मा का है, तो क्या हो जाता है? सुख हो जाता है, शांति हो जाती है, समाधान हो जाता है।
तो इसलिए सर्वरूपे हा श्री प्रभु दान, सब कुछ है, जितने रूप दिखाई दे रहे हैं वो सब परमात्मा शक्ति के आविष्कार है। खुदा गर ने नजर तुमको तो हर सूरत खुदा की है, खुदा गर दे नजर तुमको तो हर सूरत खुदा की है, ऐसा भाव जो है वो आप सबके अंदर जागृत हो प्रभु महाराज की कृपा से, ऐसा शुभ आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहां समाप्त करता हूं।